हनुमान के एक बार तो हाथ उठाओ। देखिए प्रेमियों, मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूँ और सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखा जाता है, ये तमाशा नहीं है। सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहां भी आपको देखो कितना खुला पंडाल है। ओ एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ। बोलिए बालाजी महाराज की जय। Yeah.
कहते हैं कि जो नाम ना ले राम का वो काम करे चंडाल का, काल भी उसका काम ना लेगा। जो भक्त हो, जो भक्त हो तो बोलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। कितने भी भक्त एक बारी लाइन में है, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाइए, अपने यहाँ पर होने का मौजूद होने का प्रणाम दीजिए। राम सियाराम सियाराम जय जय राम, राम सियाराम सियाराम जय जय राम। देखिए अगर हम मिलकर बाबा का गुणगान करेंगे, इनके जयकारे लगाएंगे, तो ये भी यहाँ पर आने में देरी नहीं करेंगे। जो जो बाबा को साथ लेकर जाना चाहते हैं और जो जो चाहते हैं उनके घर में भी कीर्तन हो, बोलिए हरे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, और बुलाइए मेरे साथ बाबा को। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बिल्कुल हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे सीधे, और ताली पे आते हैं सभी मिलकर बोलिए राम सियाराम। सिर्फ आगे के भक्तों की आवाज मेरे तक आ रही है, आप सबकी नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए राम सियाराम, राम सियाराम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो उसके बाद रामायण में हनुमान जी का दूसरा कार्य क्या था, जो जो जानते हैं हाथ उठाइए, जो जो नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, आइए।